हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज मैं आपको करवाऊंगी पहले क्लास की हिंदी की किताब रिमझिम का 11वां चैप्टर पतंग। तो बच्चों, इसमें यही बताया गया है कि पतंगे कैसी कैसी होती हैं और उनको कितना मज़ा आता है लूटने में, काटने में, और बहुत ऊंची उड़ती हैं आसमान में, तो देखने में बहुत मज़ा आता है, और कैसे कैसे आवाज़ें आती हैं जब पतंग उड़ती है। तो यही सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। आइए देखते हैं कविता में क्या है। सरसर सरसर उड़ी पतंग, फरफर फरफर उड़ी पतंग, इसको काटा उसको काटा, खूब लगाया सैर सपाटा, अब लड़ने में छुटी पतंग, अरे कट गई लुटी पतंग। सरसर सरसर उड़ी पतंग, फरफर फरफर उड़ी पतंग। तो बच्चों, इसमें क्या बताया गया है कि पतंग ऊपर जाती है सर 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 फर फर करती हुई, फिर क्या होता है, बहुत सारी पतंगे होती हैं, अपनी पतंग भी होती है और आसमान में खूब सारी पतंगे होती है। कोई पतंग इसको काटती है, कोई उसको काटती है, कभी हमारी पतंग कट जाती है, फिर क्या होता है, आसमान में खूब सैर सपाटा लगाती है पतंग, इधर जाती है उधर जाती है, और फिर क्या होता है, जब पतंग कट जाती है अपनी और कोई पतंग कट के आती है तो हम उसको लूट लेते हैं। तो इसमें बस यही बताया गया है। ये तो बड़ी अच्छी कविता थी, छोटी सी। आप इसको याद कीजिए और सबको सुनाइए। आपको हमारी कविता पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल असा एजुकेशन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।